हेलो मेरी प्यारी प्यारी क्यूटीज, मैं लेकर आ गई हूँ फेयर एंड लवली से ये मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक आप साड़ी में अगर कहीं भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कहीं भी आप किसी भी त्यौहार पे कर सकते हैं या फिर कहीं भी पार्टी फंक्शन में आप जा रहे हैं तो कर सकते हैं। इतना इजी मेकअप है ये मेकअप लुक। मैंने किया फेयर एंड लवली की क्रीम और व्हाइट टोन पाउडर से। तो ये मेकअप लुक अभी गणेश चतुर्थी आ रही या फिर तीज है तो तीज पे कर सकते हैं, करवा चौथ, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल अब आ रहे हैं और शादियां भी पड़ने वाली हैं। तो अगर आप ये मेकअप लुक रखना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को देखना और स्किप मत करना। और गाइस, मैं सबसे पहले बता दूँ, मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। आपकी स्किन जैसी है उसी हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैंने ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लिया ममार्थ का और इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद एक मिनट का आपको गैप रखना है, एक मिनट वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे फेयर एंड लवली की क्रीम, इसे मैंने अपने फेस पे अच्छे से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है। और इसे मैं अप्लाई करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, हाथ से नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके फेयर एंड लवली कभी भी अप्लाई करेंगे ना तो वो निकलने सी लगती है, लेकिन अगर आप ब्लेंडर से करेंगे तो वो निकलेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से लग भी जाएगी। तो आप ये ज़रूर देखना, ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना इसे। और इसे अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे अभी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है लेकिन ये कम हो जाएगी, अभी यहाँ आप देख रहे हैं। और गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही मेकअप आपको आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है। गाइज, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का मेकअप नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी नॉर्मल क्रीम से आप पार्टी मेकअप कर सकते हैं, बट आपके पास कंसीलर होना चाहिए। अगर आपके पास कंसीलर होगा तो मेकअप लुक आपका और भी अच्छा होगा। आप कोई सी भी क्रीम से, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, लैक्मी की सीसी क्रीम या फिर फेयर एंड लवली से या फिर कोई भी डेली बेसिस पे जो क्रीम यूज़ करते हैं उससे भी पार्टी मेकअप आप कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया जहाँ पे मेरे हाईलाइट पॉइंट थे और उसे मैं ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, वहीं पे, पूरे फेस पे नहीं फैला रही हूँ। क्योंकि अगर मैं पूरे फेस पे इसे फैलाऊँगी तो पूरा फेस मेरा इक्वल लगेगा और मुझे आज कंटूरिंग नहीं करनी है। किसी किसी को होता है ना कि कंटूरिंग नहीं आती या बिगिनर हैं या अभी सीख रहे हैं, तो ये मेकअप लुक आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया व्हाइट टोन का पाउडर और सिर्फ जहाँ पे मेरे हाईलाइट पॉइंट है मैं वहाँ अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक मैं करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने ये पैलेट लिया है जो मैंने मीशो से ऐसे ही परचेज कर लिया था देखने के लिए कैसा है, बट ओके गाइस, बहुत अच्छा नहीं है। ओके है, काम चल जाएगा, बस इतना है। तो मैंने उसी से आज आईब्रो फिल कर लिया है। आप कोई सी भी पेंसिल से, आईब्रो किट से या फिर कोई भी ब्राउन कलर या ब्लैक कलर के आई शैडो से भी अपनी आईब्रो फिल कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो में शेयर किया है। तो ये मेकअप आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, आप किसी भी पार्टी फंक्शन या किसी भी त्यौहार पे कर सकते हो, लहंगे पे भी कर सकते हो और साड़ी पे भी कर सकते हो। तो आईब्रो मैंने फिल कर लिया, एक स्पूली से इसे अच्छे से कॉम कर लूँगी क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगे होंगे ना तो इस तरीके से वो ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद मैं कलर ले रही हूँ, बहुत ही लाइट कलर, सिर्फ एक कलर ही आई शेडो में आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ और पूरे आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। बिल्कुल लाइट हाथों से कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके कर रही हूँ, ये मैं बार बार बताती हूँ आपको। कभी भी आप प्रोडक्ट उठाइए बिल्कुल लाइट क्वांटिटी लीजिए, अगर आप एकदम से करेंगे तो उसे फिर आपको ना सही करने में टाइम लगेगा और हो सकता है आप कर भी ना पाएं अगर आप बिगिनर हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके करनी। उसके बाद यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और काजल मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे काजल मैं ऊपर नहीं लगा पाती हूँ। तो इस तरीके से स्मच कर लेंगे ना तो आपका काजल देखिए दोनों जगह लग गया, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ आज, और विंग लाइनर लगा रही हूँ इस तरीके से कि मैंने वीडियो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं की, इसलिए कि अगर कोई बिगिनर है तो इस तरीके से आप आईलाइनर लगाना सीख सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पे आईलाइनर की, आईब्रो की अलग से ट्यूटोरियल शेयर है जो बिल्कुल इजी स्टेप में है और बहुत ही अच्छे से मैंने बताया, बहुत ही डिटेल में, तो वो देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने देख इसलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, यहाँ से भी आप देख के आईलाइनर लगाना सीख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने विंग क्रिएट किया और लोअर लैश लाइन के नीचे मैं ब्लैक कलर का आई शैडो थोड़ा सा इस तरीके से मैं स्मच करते हुए लगा लूँगी।
इससे आपका आई मेकअप बहुत ही प्यारा लगेगा और आपकी आंखें जो है ना बड़ी बड़ी दिखेंगी। तो ये आई मेकअप उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट आई मेकअप नहीं करना चाहते। वैसे मैं आई मेकअप वही से करती हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद होता है, लेकिन अगर आपको कोई आई मेकअप देखना है कट क्रीज या फुल ग्लिटरी या जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के ही लिए बनाती हूँ। आप एक बार मुझे कमेंट तो कीजिए कि आपको कैसा मेकअप लुक देखना है। और गाइस आप लोगों से मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आप ना प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए, कितने भी यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए ऑनलाइन या जाके पार्लर में सीख लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे गाइस कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट ले, आप कोई सा भी नॉर्मल प्रोडक्ट से मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप मेकअप अच्छा सीख जाएंगे तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन के नीचे उसे सेम पिंक कलर से मैंने स्मज कर दिया था और ब्रो बोन हाईलाइट किया फिंगर से ही हाईलाइटर लेके। उसके बाद जो मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया था ना उसे पफ्स ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसे डस्ट आउट कर दिया और ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। आगे की साइड में मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं आगे करूँगी सामने के फ्रंट में तो मेरा फेस और भी ज़्यादा पफी लगेगा। लेकिन अगर आपका फेस पतला है, आप उसे थोड़ा सा उभारना चाहते हैं, थोड़ा पफी दिखाना चाहते हैं, थोड़ा स्माइली पे लगाना चाहते हैं, तो फिर आप ना सामने लगा सकते हैं। उससे आपका फेस पतला के बजाय थोड़ा सा पफी लगने लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा। उसके बाद सेम वही ब्लश का ब्रश लेके मैंने नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया एज ए कंटूरिंग, क्योंकि मुझे नोज़ कंटूरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ये हाइलाइटर और ब्लश स्विस ब्यूटी के पैलेट का है जिसमें 3-in-1 पैलेट है और इसमें कंटूरिंग भी है, ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है, तो आप ले सकते हैं। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी मेकअप वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा ये लुक लगा, और कुछ भी पूछना होगा ना तो कमेंट करना। और जब तक आप मुझसे पूछेंगे नहीं, मैं बताऊँगी नहीं, तो कैसे आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मेरी आईडी है रूपिका मेकअप। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर चुकी थी और मुझे लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा ना रेड ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया और उसे अच्छे से आउटलाइन किया और थोड़ा सा स्मज कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं लिप बिल्कुल चेंज हो गया और यहाँ पे मैंने बिंदी अप्लाई कर ली, फेक लैसेस अप्लाई कर ली और मस्कारा भी लगा लूँगी और उसके बाद आप मेरा फाइनल लुक देखेंगे। गाइस इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके ही जाना। और हाँ, एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ लाइक करके ही जाना। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पूछना होगा, नेक्स्ट मेकअप लुक कैसा देखना है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सेम वही लुक करूँगी लहंगे में, साड़ी में, आप जैसा चाहेंगे पार्टी के लिए। तो आप ये मेकअप लुक देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रोडक्ट से आप प्रैक्टिस कीजिए अपने ऊपर। तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलती हूँ मैं, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।